तो दोस्तों ये वीडियो का तीसरा पार्ट है जिसमें हम लेजिस्लेचर चैप्टर पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने दो पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए हैं। क्लास 11th जो है उसकी पॉलिटिकल साइंस का फिफ्थ चैप्टर है लेजिस्लेचर, यानी कि विधानमंडल यानी कि विधायक। आप इसको सरल शब्दों में आप इसे संसद के नाम से जान सकते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन अब ये है कि हमें बताना है कि संसद जो है असल में कानून कैसे बनाती है। तो यहाँ पर संसद का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अपनी जनता के लिए कानून बनाना, और कानून बनाने की एक निश्चित एक तरीका होता है जिससे कानून बनता है। अब कानून बनाने की डिफरेंट डिफरेंट लेवल हो सकते हैं और हमारे सरकार ने कानून बनाने की एक विधि को अपना रखा है। तो यहाँ पर आपको ये सामने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, आपकी किताबों के अंदर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो संविधान है वो कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों हमारे संविधान बनाने की 5 स्टेजेस है जिसमें से 3 स्टेजेस रीडिंग की है, और यहाँ पे इस तरीके से हम स्टेजेस को जानेंगे और हम जानेंगे कि कैसे कोई भी जो विधायक है वो विधेयक जो है कैसे यहाँ पे पेश होता है। और विधेयक हमने पहले ही पढ़ लिए थे कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक होता है, निजी विधेयक होता है, गैर वित्तीय विधेयक होता है और काफ़ी वगैरह विधेयक इसमें पाए जाते हैं। लेकिन उन विधेयक में से कौन से लॉ बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, वो हम इस पार्ट के अंदर देखेंगे। तो विधेयक, तो दोस्तों यहाँ पे विधेयक की हम बात कर रहे हैं, विधेयक के बारे में हम जान रहे हैं कि विधेयक पास होके कैसे संविधान बनता है। तो पहला स्टेप कैसे बिल बनता है, उसका पहला स्टेप जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ रीडिंग, यानी कि पहला चरण ये होता है पढ़ने का चरण। यानी कि कोई भी सांसद जो होता है ना, कोई भी एमपी जो होता है, वो किसी भी विधेयक को क्या कहते हैं, किसी विषय को प्रस्तुत करता है और पेश करता है, किसी चीज़ पे बात होनी है। तो फर्स्ट स्टेप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस जो होता है, ये जो जैसे आपको पहला स्टेप यहाँ दिखाई दे रहा है, इंट्रोड्यूस आइदर इन द हाउस, आइदर इन द हाउस, किसी भी दोनों हाउस के अंदर ये पेश हो सकता है पहला स्टेज। और ये केसेस मनी बिल से रिलेटेड भी हो सकता है या नॉन मनी बिल से रिलेटेड, क्योंकि विधेयक तो किसी प्रकार के हो सकते हैं ना, बिल वाले भी हो सकते हैं, पैसों से रिलेटेड भी हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं, अभी विधेयक कहीं पे भी पास हो सकता है। दूसरा स्टेज हमारा ये रहता है कि अगर इस विधेयक को क्या कहते हैं, यदि प्रस्तुत विषय में कोई असहमति है तो संसद उस विषय पर चर्चा नहीं करेगी। सेकेंड स्टेज हमारा यही रहता है कि अगर ये बिल जो है एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है, तो यहां पर अगर ये जो विधेयक होता है हाउस में मे और मे नॉट एक्सेप्ट दिस रिपोर्ट, अब यहाँ पर हाउस जो है इस स्टेप को क्या कहते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकती है इस विधेयक को, इस बिल को, और इसको रिजेक्ट भी कर सकती है, और या तो उस विषय के ऊपर चर्चा भी कर सकती है। तो ये डिपेंड करता है किस तरीके का यह विधेयक हैगा। तीसरा स्टेज, अगर यदि सांसद द्वारा किसी विषय पर दोबारा से चर्चा करने पर कोई समस्या आती है तो उस विषय के ऊपर एक अध्ययन करा जाएगा, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। तो ये कमेटी आपको दिखाई दे रही है, बिल सेंड टू द कमेटी एंड डिस्कस इन हाउस इटसेल्फ, कमेटी देन फिर कमेटी उसको रिपोर्ट पेश करती है। यानी कि जब बिल पेश होता है तो या तो वो मना किया जा सकता है या उसे मान लिया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस विधेयक को एक कमेटी को दे दिया जाता है और कमेटी जो है इस बिल को बनाने के लिए फिर स्टेप लेती कि इसको कैसे अमेंड करना चाहिए। तीसरा स्टेज होता है दोस्तों, एंड देन चौथा स्टेज, अब जब कमेटी जो है अपने बारे में अध्ययन बना देती है, कमेटी को जब ये दिया जाता है बिल, तो कमेटी उस पर एक रिपोर्ट पेश कर देती है। तो यहाँ पे हम मेकर रिपोर्ट चौथा स्टेप होता है, पांचवा स्टेप होता है, फिर फाइनली इसके ऊपर क्या कहते हैं, द रिपोर्ट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द एमपीज। अब वो एमपीज के सामने प्रेजेंट होता है तो एमपी फिर इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिस एक्सेप्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर डिटेल में बात होती है, देन बिल या तो माना जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, फिर दोनों हाउसेस के अंदर इस बिल को पेश किया जाता है, फिर फाइनली पास होने के बाद इसको प्रेसिडेंट को दे दिया जाता है और इस तरीके से लॉ बन जाता है। तो ये दोस्तों हमारे 5 स्टेट्स थे जिसकी वजह से हम देखते हैं किसी भी देश के अंदर कैसे बिल बनाया जाता है, यानी कि कैसे कोई भी लॉ बनाया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था, कुछ वीडियोस जो है मैं आपको इसके अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा कि पार्लियामेंट जो होता है वो कैसे एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनको कैसे नियंत्रित करता है, यानी कि संसद जो है कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करता है, वो हम देखेंगे पहले पार्ट में डिस्कस एंड एनालाइज। सरकार के जो
जो मूल्यांकन होता है उसके लिए संसद जो होती है उस पर चर्चा करती है कि सरकार ने किसी भी चीज़ के ऊपर कैसे बात करी है, किसी भी चीज़ को लेके कोई गड़बड़ियाँ तो नहीं हो रही है। सरकार हमेशा अपने प्रस्तावों को पेश करने के लिए डिस्कशन करती रहती है पार्लियामेंट के आसपास के इलाकों के अंदर, इस तरीके से वो पार्लियामेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस एंड एनालाइज वाला पार्ट। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, जो वीडियो आपको ये दिख रही है, तो आपने देखा फिर वीडियो देखने के बाद कि संसद में कैसे कार्यपालिका आपस में एक दूसरे से बहस करते हैं और यहाँ पर डिस्कशन चलता रहता है। एंड देन उसके अंदर अगर हम बात करें संसद को नियंत्रण करने का जो तरीका होता है वो बहस और चर्चा का तो होता ही होता है, यहाँ पर क्वेश्चन आर भी होता है। संसद का सम्मेलन प्रश्न काल से शुरू होता है और यहाँ मंत्री सदस्यों से उठाए गए सवालों का जवाब देते हैं। इसकी अवधि जो होती है 1 घंटे की होती है, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। यहाँ पे अपोजिशन पार्टी जो होती है वो क्या कहते हैं अपनी बातों को रखती है, सवालों का जवाब देती है, और यहाँ पर ये सिर्फ 1 घंटे के लिए होता है। वीडियो आप देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। माननीय सभासद, माननीय सभापति जी, क्वेश्चन 246 क्वेश्चन, बैठ जाइए। क्वेश्चन प्लीज सिट डाउन, दिस इज क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन 247 श्री दिग्विजय सिंह सर, 247, थैंक यू। माननीय सभापति जी, मद्यपान और नशीले पदार्थों का दुरुपयोग पूरे देश में बढ़ता जा रहा है और एक युवकों में इसका प्रचलन जो बढ़ा है, ये एक गंभीर समस्या आज पूरे देश में है। इस समस्या के निदान के लिए आप एनजीओ के माध्यम से तो काम कर रहे हैं, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, लेकिन माननीय सभापति जी, क्या केंद्र सरकार इस ड्रग एडिक्शन को रोकने के लिए केंद्र सरकार में एक हाई पावर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाएगी क्या, जिसमें कि सोशल जस्टिस, फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के लोग रहें, ताकि इसका ड्रग कहां से आ रहा है, कैसे वहां तक लोग पहुंच रहा है, इसके बारे में कैसे रोकथाम हो सकती है, क्या इस पर विचार करेंगे? थैंक यू। श्री अनिल साहनी करेंगे। माननीय मंत्री महोदय, जरा सुनिए, माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि मद्यपान और नशीला पदार्थ से खास करके गरीब वर्ग के लोग, शोषित उपेक्षित के लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और इसके कारण से बहुत सारा लोग बर्बाद हुए हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाहता हूं, क्या पूरे देश में नशाबंदी करने का कोई आपके पास में कोई इसका प्रोग्राम है या इस पर कोई विचार कर रहे हैं? डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु। थैंक यू वेरी मच सर। माननीय मंत्री जी ने आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का जवाब सही सही नहीं दिया कि सरकार की क्या जवाबदारी है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आपने एनजीओ को जो सहायता देने की बात करी है, उसमें आपकी नीति क्या है सहायता अनुदान देने की, और इसके साथ ही आपने जो बताया कि 3 प्रस्ताव समिति ने, जो आपकी केंद्र सरकार की जो स्क्रीनिंग कमेटी है जिसके माध्यम से आप सहायता देने की अनुशंसा करते हैं, तो 3 प्रस्ताव जो राज्य सरकार से आए हैं उसको, उसमें आपने कमियां पाई गई, तो ये कमियां किस तरह की कमियां हैं और आपकी नीति क्या है अनुदान देने की? एंड देन उसके बाद है शून्यकाल। शून्यकाल सिर्फ और सिर्फ 5 से 15 मिनट तक होता है। यहाँ पर मंत्री जो होते हैं अपने सवाल जो होते हैं वो खड़े करते हैं, पर वो जवाब नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछे जाते हैं शून्यकाल के अंदर। मैटर्स टू बी रेज्ड विद परमिशन, जीरो हुआ, श्री दिग्विजय सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, अनेक स्टडीज जो हुई हैं विश्व में, उसमें ये बात सामने आई है कि फेक न्यूज़ आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है, और फेक न्यूज़ के कारण कई उदाहरण ऐसे हैं जहां सांप्रदायिक दंगे हुए, फसाद हुए,
जिसकी वजह से पूरे समाज को आज पूरी तरह से इसको डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया। माननीय सभापति महोदय, आज ट्विटर हैंडल पर और भी अनेक सोशल मीडिया साइट्स पर झूठे किस्म के नाम लेकर वे इस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं जिसका मैं उल्लेख यहां नहीं करना चाहता। और हमें इस बात का दुख है कि कई ऐसे व्यक्तियों को फॉलो बड़े बड़े लोग करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, हमारे मंत्रिमंडल से और माननीय प्रधानमंत्री से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री से, कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लाया जाए और जितने सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको बाध किया जाए कि इस तरह के अभद्र भाषा का उपयोग वो ना करें, और जहां भी जिस प्रकार से भी सांप्रदायिक विष फैलाने का जो प्रयास किया जाता है उस पर वो अंकुश लगे, ये मेरी प्रार्थना है। थैंक यू। ठीक है भाई, उसके टाइम पे बाद में है, कोई बोलेगा तो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं नहीं ठीक, नहीं ये अभी बहस नहीं हो रहा है, जीरो ओवर में सबमिशन बहस नहीं हो सकता है। ये श्री रामनाथ ठाकुर महोदय, मैं इस शून्यकाल के माध्यम से मैं सदन के ध्यान में चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महोदय, हमारे देश में हर छोटे बड़े शहर की गली गली में कोचिंग संस्थान खुल गए हैं, कोचिंग उद्योग लगातार बढ़ रहा है। मई में सूरत शहर में एक कोचिंग संस्थान में आग लग गई, कई मासूम बच्चे इसमें जलकर मर गए। राजस्थान का कोटा मेडिकल और इंजीनियरिंग के प्रयास करने वाले छात्रों का केंद्र है, देश भर से छात्र यहां अध्ययन करने के लिए आते हैं, लेकिन हालत यह है कि कोटा में निरंतर छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाएं समाचार पत्रों में छपती रहती है। पढ़ाई में अच्छा करने के दबाव के चलते तनाव उन पर इतना हावी हो जाता है कि इस प्रकार पढ़िए मत रामनाथ जी, मेरे ओर देख के थोड़ा मेरा चेहरा भी देखते रहिए बीच में और बोलिए। समाचार पत्रों में छपती रहती है, पढ़ाई में अच्छा करने के दबाव के चलते तनाव उन पर इतना हावी हो जाता है कि वे इस प्रकार का कदम उठा लेते हैं। अभी हाल ही में NSSO ने अपनी पत्रिका में यह आंकड़ा प्रकाशित किया है कि लगभग 25% छात्र अर्थात 7 करोड़ से ज़्यादा प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं में पढ़ते हैं। कोचिंग चलाने वाले लोगों को छात्रों की सुविधाओं की चिंता बिल्कुल नहीं है। कितनी जगह में कितने बच्चे हों, कितनी फीस ली जाए, क्या बुनियादी सुविधाएं उन्हें मिले, इसकी ओर उनका ध्यान नहीं है। मांग क्या है, सुझाव क्या है, इसलिए यहाँ आवश्यक है कि उन्हें विनियमित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक नियामक तंत्र स्थापित की जाए। सेफ एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अन्य व्यवसाय के रूप में इसे शामिल कर इसके साथ न्याय नहीं हो सकता। देश की इतनी बड़ी आबादी के हितों के साथ इस तरह खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती। ये मनमानी फीस वसूलते हैं, इस पर कम टैक्स देते हैं, तथा यदि कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़कर जाना चाहता है उसका पैसा भी वापस नहीं करते हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कोचिंग से जुड़े सभी विषयों को समाहित करते हुए एक व्यापक विधान बनाया जाए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय न हो। फिर यहाँ पे होता है एडजॉइनमेंट मोशन, यानी कि स्थानगत प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के अंदर विपक्षी दल जो होते हैं वो जनता से जुड़े मुद्दों के बारे में पेश करते हैं कि जनता जो है कोई खाद्य उत्पादन की वृद्धि से परेशान है, या कोई प्राइस बढ़ गया उससे परेशान है, या सरकार कोई काम नहीं कर रही है, तो उस समय पर एडजॉइनमेंट मोशन बुलाया जाता है। माननीय सभासदो, माननीय सभापति जी, क्वेश्चन 246।
Section 245. Please, no, questioner. Please, questioner. This is... Opposition also wants the House to function. Issue has been raised in the zero hour, which has now spilled over. The zero hour deals is over. With the eulogizing of the assassins or the father of the nation. Fine. I would request, the Parliamentary Affairs Minister is here. I'm sure that neither he nor anyone who is part of the government will ever approve of such an action, and we cannot endorse that. So let the House be speaking in one voice on this and finish the issue. Thank you, thank you. That's what I am suggesting. And it's a very reasonable suggestion. I am sure that the House in one voice should condemn it and not encourage. Thank you, thank you. Sir, we want the House to function. We want the question hour also. There is no problem and there is no question of anybody accepting such a proposition, eulogizing a person who was responsible for the assassination of Mahatma Gandhi. There is no question of anybody associating or eulogizing with that person. But at the same time, I want, as I had a talk with the Congress Party deputy leader, sir, in the larger interest of the functioning of the House, I am saying on record, nobody, no organization, and that question of government question do not arise at all, accept this proposition of eulogizing the persons who are responsible for the assassination of Mahatma Gandhi. We should leave this, and bringing it here and then trying to defame organizations is not acceptable. Thank you. एंड देन उसके बाद किसी भी लॉ को अप्रूव करना या रेटिस्फेक्शन करना, यानी कभी कभार क्या होता है, कोई लॉ जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है, तो उसके बिहाफ पे संसद के अंदर दोबारा से डिस्कशन होती है और संसद के अंदर कानून बनाने के लिए फिर से उसके ऊपर बातचीत करी जाती है, क्योंकि वो जो लॉ पहले बनाया गया था वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित कर रहा है इसी वजह से। माननीय कपिल सिब्बल जी, so thank you very much for giving me this opportunity. I stand here to request the Home Minister to agree to send this bill to the Select Committee, and if that's not agreed upon, that I stand here to oppose the bill. Maniye mantri ji ko baith kar boliye. Sir, sabse pehle to main kehna chahta hu ki koi sadan mein koi aisa sadasya nahi hoga jo kabhi aatankwad ke hak mein bole. Hum sab एक है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, आतंकियों को खत्म करना है, इसमें कोई दो राय नहीं. और मैं समझता हूं कि ऐसे बिल हम ही लाए थे 1967 में, ये बिल हम लाए थे, और उसके बाद आपको याद है 1985 में जब इंदिरा जी की 84 में हत्या हुई तो टाडा भी हम लाए थे. उसके बाद 2001 में जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो 2002 में पोटा आप लोग लाए थे, और फिर इस बिल में संशोधन किया 2004 में, संशोधन किया 2012 में, संशोधन किया, और आज आप एक और संशोधन लेकर यहां आए हैं. हमें इस बात का गौर करना होगा कि इन बिलों का अनुभव क्या रहा है, और इसके पीछे घटनाएं भी हुई हैं. जब 1967 में बिल लाया गया तो उस समय आपको याद होगा, शायद आपको याद है या नहीं, कि एक कमेटी बनी थी अंडर द इंटीग्रेशन काउंसिल, एंड दैट कमेटी वाज द इंटीग्रेशन काउंसिल एंड रीजनल कमेटी, कमेटी ऑफ इंटीग्रेशन एंड रीजनलिज्म. And they gave a suggestion कि हमें आर्टिकल 19 में संशोधन करना चाहिए to bring in आर्टिकल 19-2, 19-3 and 19-4 the provision sovereignty and integrity of India. उससे पहले 1967 से पहले 19-2, 19-3, 19-4 में यह provision नहीं था, sovereignty and integrity of India. और हमारी जब हम ओथ लेते थे एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वहां भी हम सॉवरेंटी ऑफ इंटेग्रिटी नहीं था. ये 1967 के बाद हमने उसमें उसको रखा गया. क्यों रखा गया? क्योंकि उस समय एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रही थी इस देश में,
और इसलिए यह बिल लाया गया। फिर जैसे मैंने कहा 1984 में इंदिरा जी की हत्या हुई तो हम लोग टाडा लेकर आए और टाडा आपको याद होगा कि 1989 तक चला, फिर उसके बाद हमने उसको एक्सटेंड किया 1991 तक, फिर 1993 तक, फिर 1995 में वो लैप्स हो गया। क्यों लैप्स हुआ? क्योंकि हमने देखा और हमारा अनुभव ये था कि कानून तो अच्छा है लेकिन इसका घोर दुरुपयोग हो रहा है। एंड देन उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोल भाई, क्योंकि पैसों से रिलेटेड है तो इसी वजह से संसद को क्या कहते हैं कंट्रोल करने का सबसे बड़ा तरीका होता है पैसे। सा कोई बिल होता है उसके ऊपर डिस्कशन होती है कि कितना पैसा कहाँ खर्चा करा जा रहा है, कितना पैसा कहाँ खर्चा करा जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग हर साल क्या कहते हैं एक बिल पेश करते हैं। आपने देखा भी था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। यहाँ पर क्या होता है कि विपक्षी दल जो होते हैं ना, जब उनको पता चल जाता है कि जो सामने वाले रूलिंग गवर्नमेंट है, अगर वो क्या कहते हैं जो रूलिंग गवर्नमेंट है अगर वो अपना बहुमत खो रही है ना, तो अपोजिशन पार्टी जो होती है अपोजिशन पार्टी सामने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है। तो यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि जब खुद की पार्टी अगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेजोरिटी को खो रही है तो सिंपल से आते अपोजिशन पार्टी अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ था हाल के दिनों में ही संसद के अंदर मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ था। अब यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव कुछ ऐसा होता है, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार है। अब आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार जो है उनको 30+ सीटें मिली है सरकार, और इसकी वजह से उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इस 30+ सीटों के अंदर दूसरे जो एमपीज होते हैं दूसरी पार्टी के, जैसे मान लिया शिवसेना हो गई है ना, और उसके बाद मैंने मान लिया कि तृणमूल कांग्रेस हो गई, और भी बहुत सारी पार्टियां होती है, डीएमके पार्टी हो गई, तो ये सारी पार्टियां जिनके एमएलए कम होते हैं लेकिन एमपी कम होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे दूसरी पार्टियों के साथ मिल जाते हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं अगर अपना सपोर्ट खींच ले तो बीजेपी सरकार गिर सकती है, और जब गिरने के चांसेस होते हैं तो फिर अपोजिशन पार्टी अविश्वास प्रस्ताव पेश करती है। तो ऐसा बहुत बार इतिहास के अंदर हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ है। तो अब हम बात करेंगे कि जो अभी तक हमने देखा था कि जो कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जो कमेटियां बनाई जाती है उनका भी योगदान होता है। मतलब अगर कोई भी लॉ बनना है तो उसके अंदर जो समिति होती है वो विभिन्न प्रकार से काम करती है। समिति सरकार का जो खर्च होती है उसका विश्लेषण करके बताती है। समिति जो होती है वो भ्रष्टाचार के बारे में जाँच कराती है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एंड देन हमें पढ़ना है टाइप ऑफ कमेटी। कमेटी परमानेंट भी हो सकती है और टेम्प्रेरी कमेटी भी हो सकती है, क्योंकि स्थायी कमेटी वो होती है जो अपने पेपर क्लियर करके सरकार के हिस्से में बन के आते हैं, उसे परमानेंट बोलते हैं। और कुछ ऐसी कमेटी होती है जो कमेटी सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा अपॉइंट होती है, पर 5 साल बाद इनको हटाया जा सकता है इस कमेटी को, है ना। तो यहाँ पर अब दूसरा पॉइंट है हमारा कि हाउ डज पार्लियामेंट सेल्फ कंट्रोल। अब पार्लियामेंट जो है अपने आप को खुद को कैसे कंट्रोल करती है, तो इसका पॉइंट है कि संसद क्या कहते हैं संविधान द्वारा जो है नियंत्रित करी जाती है, इसकी वजह से वो अपने आप को खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। संसद के अंदर स्पीकर जो होता है वो संसद के लोगों को कंट्रोल करता है, और दूसरा अगर खुद के व्यवहार को नियंत्रित रख के क्या कहते हैं पार्लियामेंट की गरिमा को बनाया जा सकता है। दूसरा दल बदल विरोधी जो कानून है उसे संसद में वो चीज़ नियंत्रित करती है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे हम बोल सकते हैं कि संसद कैसे कंट्रोल होती है। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर यही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, हम जानेंगे कि उसमें जुडिशरी का क्या रोल होता है।